السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور تفکر کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام عقائد و جہان ہادی و مرشد رہبر و رہنما پیغمبر الزماں
जिनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर। अज़ीज़ भाई और बुज़ुर्गों, ये खुतबा जुमा है, कोई आम वाज या तकरीर नहीं है। इसका गौर से सुनना भी सवाब का काम है, तो टाइम भी चूंकि आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन मैं चूंकि उर्दू में तकरीर करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। बात समझानी मकसद है, बात कोई मज़ा देना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से बात समझ आ जाए। इकबाल का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या रजा है। इस मौजू पर आपसे बात करनी है थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब क्या है वाला शेर का? इसका मतलब ये है, हालात कैसे भी हों, इंसान अपने अल्लाह के साथ इतना सारा ताल्लुक रखे कि रब पूछे बंदे जिस तरह तू कह गए ना ऐसे हो जाएगा, तो ये अल्लाह का बंदा होता है असल में। इसकी इसके दलाइल जो है ना, वो इंशाल्लाह मैं कुरान और हदीस से दूंगा कि इंसान को अपने रब के साथ ताल्लुक इस तरीके का रखना चाहिए कि अगर ये बात अल्लाह से कहता जाए ना, अल्लाह इंशाल्लाह इसकी तकदीर पर भी कलम फेरते जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, रब है सबका। कुरान इस चीज का गवाह है, आपने पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा, हालांकि कोई मुवाजना भी नहीं था। इंसान जब अपने रब के नजदीक जाता है ना, रब ये नहीं पूछते कि ये कौन था या कौन नहीं था, छोटा था या बड़ा था, अल्लाह ये नहीं देखते। बस अल्लाह ये देखते हैं कि इस मेरे बंदे का मेरे साथ ताल्लुक कितना सारा है। दुनिया में एक ऐसा अजीब काम हुआ है, अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और कौम को छोड़ दिया है। कब छोड़ा है? जब उस कौम के नौजवान, बूढ़े, मैं हत्ता के, मैं पढ़ रहा था कि उनके जो जानवर मवेशी थे ना कौम यूनस अलैहिस्सलाम के, वो सारे आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से माफी मांगते थे, अल्लाह हमसे गलती हुई है, बस माफी चाहिए। अल्लाह ने सबको छोड़ दिया और आप जानते हैं कि यूनस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गिरफ्तार कर लिया। इंसान का ताल्लुक अपने रब के साथ इस तरह का होना चाहिए असल में। यार आपका कुरान गवाह है, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, शैतान था ना शैतान, उसने कहा था अल्लाह ठीक है मुझ पे लानत तो हो गई है, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे क्यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ मोहलत है। उसको एतमाद था, अल्लाह पर यकीन था, तवक्कुल था। उस एतमाद के साथ उसने अपने रब से बात की, रब ने उसकी भी बात मान ली। तो हम गैरों के सहारे जीते हैं, बस कोई कभी उससे तमन्ना लगा के बैठा होता है, हाँ जी कोई उससे तमन्ना लगा के बैठा होता है को फलां हाकिम आ जाएगा तो हमारी तब्दीली आ जाएगी, फलां आ जाए के कारोबार चल जाएंगे, फलां आएगा तो ये मामला चल जाएगा, फलां होगा तो ये मामला चल जाएगा। ये तो सारी बातें शिरक है ना। बात यह है कि इसके मतलब है फिर आपने अपने रब को कुछ समझा ही नहीं है, या रब के साथ आपने ताल्लुक जोड़ने की कोशिश ही नहीं की है असल में। सही मुस्लिम के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, रुब्बा अशआफा मदफूअन बिल अबवाब। आप फरमाया करते थे अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे होते हैं बेचारे सादे से, परा गंदा बाल, डस्ट पड़ी हुई, घट्टा जिस्म पे लगा हुआ है, अगर वो कसम अल्लाह की उठा के एक बात कह देना जो मर्जी हो जाए, रब उनकी कसम टूटने नहीं देते हैं। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं। आप दुनिया में बसने वाले लोग हैं, बड़े सरोले लोग आपको मिलेंगे, यार ये तो इस काबिल ही नहीं था, इसको इतना एजाज कैसे मिल गया,
ये बंदा है कि चीज, इसने पता नहीं कहां से ले लिया। बात यह है कि सब कुछ करना होता है अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ किस तरह का होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के अंदर सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम में आता है, सुनन अबी दाऊद में आता है, सुनन नसाई में आता है, इब्ने माजा में आता है, एक वाकया हो गया। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सगी फूफी, कुछ खवातीन ज़रा आपको पता है थोड़ी सी जज्बाती होती हैं, हैं, वो किसी, ये दोनों बच्चियां आपस में लड़ पड़ी हैं, उसने कुछ चीज मारी, उस बच्ची के दांत टूट गए, दांत टूट गए। वो उसके घर वाले आए, कहने लगे अल्लाह के नबी देखो रुबई ने ना ज्यादती कर दी है, हमारी लड़की के दांत तोड़ दिए। मेरी समझ आ रही कि नहीं बातों की? बिल्कुल, मैं आसान बोल रहा हूँ, उसे समझ लग जाएगी, कोई मसला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इसका बदला लिया जाएगा, किसास होगा, इसकी वजह में इसका दांत उखाड़ दिया जाएगा। इनके भाई सैयदना अनस के चचा, उनका नाम भी अनस में नजर था, कहने लगे वल्लाही ला तुक्सर सनी जाता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मेरी बहन का दांत तोड़ने वाला है कौन, कोई तोड़ ही नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया अनस किताबुल्लाह अल-क़िसास, ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किताबुल्लाह कह रही है, छठा पारा कह रहा है। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं कसम उठा के कहता हूं मेरी बहन का दांत नहीं टूटेगा। लोग सारे हैरान हैं, मेरे नबी भी हैरान कि यार कितने इस आदमी को एतमाद है। कहने लगे ठहर जाओ, जाके जिन की बच्ची का दांत टूटा था ना, कहने लगे यार कुछ बातें की, कहने लगे यार जो होना था वो तो हो गया है, आप आगे बात करें क्या करना है, ऐसे करो इतने इतने पैसे ले छोड़ दो। कहने लगे हम राजी। हदीस के लफ्ज़ काबिलुल अर्श रज़ी अल कौम, वो पैसे लेकर राजी हो गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया यार वाकई इन्ना मिन इबादिल्लाह मन लौ अक्सम अलल्लाह ला बर्रा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं अगर कसम खा के बात कह देना अल्लाह उनकी कसम टूटने नहीं देते हैं, उनमें से एक मेरे ये साथी भी है। इंसान का तल्लुक जो है ना अपने रब के साथ इस तरह का होना चाहिए। फ्रॉड हमारे तो फैशन पता क्या है, जो बंदा बड़ा ही फ्रॉडिया होगा ना, हम कहेंगे ये बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा होशियार और चलाक बंदा है। जो दयानतदार बंदा होगा, मुखलिस बंदा होगा, कहेंगे ये तो चुडू सा आदमी, इसको क्या पता है। हमारा स्टैंडर्ड है और अंदाज का। सैयदना साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम में आता है, फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, क्या हुआ एक आदमी गुजरा, मेरे नबी ने साथ एक आदमी को कहा कि इस बंदे के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। रजुलुन मिन अशराफिन नास, वो था चौधरी किस्म का आदमी, सरदार। कहने लगा अल्लाह के नबी ये बंदा ऐसा है अगर कोई बात कहने लोगों की बात मोड़नी नहीं है, अगर कोई रिश्ता का किसी से मांगे ना रिश्ते से किसी ने इनकार नहीं करना है, अगर ये सिफारिश करे इसकी सिफारिश किसी ने रिजेक्ट नहीं करनी। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद एक कमज़ोर सहाबी, माड़ी हालत बेचारे की, मालो दौलत भी नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया ना या राय कफ़ी हादा, इसके मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो ऐसा कमाड़ा आदमी है, रिश्ता मांगे ना किसी ने रिश्ता भी को नहीं देना है, कोई बात कहे तो इसने इसकी किसी ने बात सुननी कोई नहीं, कोई सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश किसी ने कबूल ही नहीं करनी। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया पता क्या मामला है, मेरे नबी ने फरमाया जिसके मुतल्लक आपने तरीफी कलमात कहे ना, पूरी दुनिया की रुए ज़मीन उस उन जैसे आदमियों से भर जाए, वो सारे मिल के इस कमज़ोर आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये उन बंदों में से है, अगर ये कसम भी खा देना जो मर्जी हो जाए रब इनकी कसम नहीं टूटने देते हैं। और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قال ربكم لو ان عبيدا اتعوني اسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये मेरे बंदे मेरे बन जाए ना, मेरे बन जाए,
ये बंदे अगर मेरे बन जाएं, कहना मैं सारी रात बारिश बरसाता रहूं और ये कहें तो मैं दिन को सूरज निकाल दूं, और अगर सारी रात बारिश बरसती रहे, अगर ये मेरे फरमा बरदार बंदे बन जाए ना, तो बारिश के कतरात बड़ी दूर की बात है। अल्लाह फरमाते हैं मैं इनके कानों में बादल के गजने की आवाज़ भी ना जाने दूं कि मेरे बंदे परेशान ना हों, उनका आराम में खलल ना आ जाए। इनको कहते हैं असल में अल्लाह के बंदे। और जिस तरह लोग मिसाल नहीं के देते होते, ये बंदे तो पुत्र बन गया, वो होता बंदे का ये, लेकिन उसके करतूत और अंदाज के होते हैं, हैं? ऐसे इंसान दावे सारे करते अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं होते। कुरान के अंदर मैं आपके सामने कुछ मिसालें बयान करूंगा, जरा देखना। हदीस के अंदर भी आपने असहाबे काफ का वाक्या बड़े सारे उलमाए कराम से सुना है, चूंकि आपकी ये मस्जिद माशाल्लाह, यहाँ पर बड़े सारे मशायख, उलमा, खुतबा बड़े सारे कसरत के साथ आते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट आदमी हूँ। आपने ये बात सुनी है कि साबे काफ की 98 ईस्वी से लेकर 117 तक एक टराजान हुक्मरान था, जालिम, उसका दौरे हुकूमत था उस वक्त। रूम के शहर उफस के ये रहने वाले चंद नौजवान थे, और उम्मान शहर से 7 किलोमीटर जुनूब की तरफ ये गार है। कुरान का 15वां सिपारा इस चीज़ की गवाही देता है, ये नौजवान जिनको हम असहाबे काफ के नाम से याद करते हैं, कहने लगे यार बात ये है, ये लोग रब का सब कुछ खा पी कर औरों को पुकारते हैं। हम कहते हैं आसमानों और ज़मीन का रब अल्लाह है, अगर हमने किसी और को माबूद समझा, इससे बड़ी ज़्यादती वाली बात ही कोई नहीं है। कहने लगे डट जाओ, इस बात पे डट जाएं। बिल आखिर ये भाग कर गए तो उस गार के अंदर पनाह ले ली। मैंने इकबाल का शेर पढ़ा था कि इकबाल ने कहा है कि इंसान अपने रब के इतने करीब हो जा, तू इतने करीब हो जा, इस तरह का फरमा बरदार होगा, अगर तू कहेगा ना तो तेरी लिखी तकदीर भी अल्लाह बदल देंगे। फिर अल्लाह ने क्या फैसला किया, मैं अपने पास ही कर रहा, कुरान गवाह है, सूरज के हिसाब से 300 साल, चांद के हिसाब से 309 साल, अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि सूरज आइंदा से रास्ता बदल के जाना है, मेरे इन बंदों पर तेरी शुआएं ना जाए कभी। कुरान गवाह है 300 साल तक सूरज ने अपना राह बदल लिया था। इसको कहते हैं कि तकदीर भी अदल बदल देता है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने, यह भी कुरान में ही है, वैदा गरब तकरीज़ुहुम, ओए जुमे के अंदर बात नहीं की जाती, वैदा गरब तकरीज़ुहुम दात शिमाल, फिर अल्लाह तआला ने अगला हुक्म यह दिया कि सूरज जब तूने गुरूब होने के लिए आना है ना, तब भी तेरी शुआएं इनके अंदर ना जाए। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, फिर वो सूरज 300 साल तक उसने अपना राय बदल लिया था। फिर अल्लाह पता क्या फरमाते, वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, अल्लाह फरमाते हैं वो सोए थे, उनकी करवटें भी हम खुद ही बदल दिया करते थे। ये नबी नहीं थे, ये नबी के असहाब नहीं थे, ये आम लोग थे, लेकिन अल्लाह को अल्लाह समझते थे, रब को रब समझते थे, इसलिए अल्लाह भी उनकी खातर बड़ा कुछ कर देते थे। अब दूसरा वाक्या है, यह सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम में आता है, यूशा बिन नून जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में नायब बने थे, और अरीहा बस्ती इसको फतह करना था, जुमे का दिन था। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके कहा कि भाई मेरे साथ जिस बंदे ने जिहाद के लिए जाना है ना, उसके लिए चंद शर्तें, जिस बंदे ने निकाह कर लिया है, अभी रुखसती नहीं की, वो भी मेरे साथ ना आए, जिस बंदे ने गाय खरीद के रखी हैं, बकरियां खरीद के रखी हैं, वो गाय बकरी गब्बन हो चुकी हैं, सूने वाली हैं, तो जो बंदा उनके सूने का इंतजार कर रहा है वो भी मेरे साथ ना आए। जिस बंदे ने अपने घर की दीवारें खड़ी कर ली हैं, छत नहीं डाली, छत डालने का उसका प्रोग्राम है, वो भी मेरे साथ ना आए। लश्कर तरतीब देते देते असर के बाद का टाइम हो गया, और उसके बाद दिन रह गया था थोड़ा सा दिन, तो मुल्क इतनी देर में फतह नहीं ना होते, टाइम लगता है। सुबह हफ्ता था, हफ्ते वाले दिन उनको वैसे बैन था कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है, मेरी बात तुम्हें समझ लग रही है ना। तो हदीस है
यूसुफ नून अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सही बुखारी में आता है, ये सही मुस्लिम में भी है, कहने लगे शम्स इन्नकी मामूरा व अना मामूर, तूने भी आज तक अपने रब की नाफरमानी नहीं की तो मैंने भी रब के कभी नाफरमानी नहीं की है। और कहने लगे अल्लाह लेट होगी हमसे और हमने शाम से पहले पहले ये सारा मुल्क फतह करना है, बस्ती फतह करनी है, जितनी देर ये फतह नहीं ना होती मेरे अल्लाह सूरज को रोक ले तू। ये सही बुखारी के लफ्ज़ में अल्लाह महबी सहा अल्लाह इसको रोक ले। मेरे नबी ने यह हदीस सुनाई, फिर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सूर्य को कहा सूरज रुक जा, बस सूरज रुक जा, अल्लाह ने कानून ही बदल दिया, कानून ही बदल दिया। शर्त यह है कि इंसान अल्लाह का बंदा हो तो सही ना, अल्लाह का बंदा बने तो सही। हदीस गवाह है उतनी देर सूरज रुका रहा था, जिहाद हुआ है, जिहाद होने के बाद बस्ती फतह हुई है, फिर जाके वो सूरज गुरूब हुआ है, हालांकि टाइम इतना सारा रहता था उस वक्त जब सूर्य गुरूब होने वाला था। ऐसा ही सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम में भी आता है। सही मुस्लिम में जरा तफसीली है, आपने एक वाकया बड़ा मशहूर मरूस सुना होगा, क्योंकि खुतबा हजरात से आप बड़ी लचेदार अंदाज में बातें सुनते रहे होंगे। वह हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा थीं जिनका बेटा फौत हो गया था, और ऐसी हालत में उन्होंने रात खुशी से गुजार रही थी मियाँ के साथ। उस अम्मा जान के मुतल्लिक ये मसला है और उनके शोहर सैयदना अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला के मुतल्लिक ये मसला है। उनका बेटा था वह अबू उमैर, वह फौत हो गया, उन्होंने सब्र किया। अब होता क्या, एक दफा ये सही मुस्लिम के लफज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पर निकले हुए हैं, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला ने भी साथ हैं, और साथ कैफियत क्या है, आखिरी दिन है, अल्लाह ने खुशी देनी है, अल्लाह ने खुशी देनी है। रास्ते में किसी जगह करीब आए हैं मदीने के, तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत खराब होगी, जो खुशी आने के वक्त बच्चियों की तबीयत खराब होती है, उस हालत में औरत पैदल नहीं सफर कर सकती, फिर पहाड़ों का सफर है नहीं? आपको पता है समझदार आदमी बैठे क्या कैफियत होती है। नबी अलैहिस्सलाम थोड़ी देर ठहरे, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका हालात जरा और तरह के मसले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। उम्मे सुलैम को तकलीफ शुरू है बच्चे की वजह से, तो अबू तलहा ने पता क्या फरमाया, ये लफ्ज़ सुनने वाले हैं, अबू तलहा कहने गया मेरे अल्लाह यो जिबुनी अन अखरुज मा रसूलिक इदा खरज वादुखुल माहु इदा दखल हबस्ता कमा तरा। कहने लगे अबू तलहा मेरे अल्लाह मैंने अपने दिल की तमन्ना ये रखी थी, जब तक जिंदगी है जहां आपके नबी जाएंगे मैं भी वहां पर जाऊंगा, जब तेरा नबी रुकेगा मैं भी वहां पर रुकूंगा, जिस जगह तेरा नबी दाखिल होगा मैं भी वहां पर दाखिल होऊंगा, जहां तेरे नबी जाएंगे मैं वहां पर जाऊंगा। और अब यह है तेरा नबी जा रहा है और अबू तलहा पीछे यारी का मजा नहीं कोई आया। इतनी सारी बात की है, मेरी बातों को समझ आई कि नहीं? बोला उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा जिनके बच्चे की वलादत का वक्त करीब बिल्कुल था, दर्जे से जोरों पर थी, शिद्दत की तकलीफ थी, इतनी सारी अबू तलहा ने अपने अल्लाह से बात की है, तो उम्मे सुलैम कहती या अबा तलहा मैं अजीदुल्लज़ी कुंत अजीज, जो पहले मुझे तकलीफ हो रही थी अब ऐसे है कि कभी हुई नहीं है, तो चले हम भी नबी के साथ जाते हैं। अल्लाह ने उस बच्चे का वक्त रोक दिया, स्टॉप कर दिया। सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, ऐसे ऐसे छड़ा नहीं दिया मैं, हदीस के लफ्ज़ हैं। फिर मदीने गए हैं, घर अम्मा जान जब पहुंची है ना, तो फिर अल्लाह ने चांद जैसा वो बेटा अता फरमाया है। इसको कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता बंदे तेरी क्या रजा है, यानी बंदे तू चाहता क्या है, तू बंदा अल्लाह का बन तो सही ना, तब मजा आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता। लोग कहते हैं जी फला हाकिम है उसने ऐसा कर दिया, फलाया उसने ऐसा कर दिया, फलाया उसने ऐसा कर दिया, फलाया उसने ऐसा कर दिया, फिर अजीब कैफियत है। लो जी बंदा बीमार हो गया, जिसका बेटा नहीं सही रहा, कारोबार में लाश हो गया, फला कुछ हो गया, फला कुछ हो गया, भाई इतनी सहाबा ने तकलीफें बर्दाश्त की, आप में से किसी ने की? जमीनें भी लोगों ने छीन ली, घर भी लोगों ने छीन लिए, बच्चे भी लोगों ने छीन लिए, बीवियाँ भी लोगों ने छीन ली, तन तनहा किसी के पास तो पाँव का जूता भी नहीं था,
हैं जी, लेकिन उनमें से ना किसी को अटैक का मसला बना है, ना किसी दिमाग की शरियान फटी है, ना किसी को कोई शुगर हुई है। ये कहते हैं जी परेशानी से शुगर हो चुकी है, भी परेशानी ना अटैक हो गया, परेशानी से ये हो गया, परेशानी से ये हो गया। फ़र्क इतना है, वो अल्लाह के बंदे थे, हम किसी और को राज़ी करने पर लगे रहते हैं सारी उम्र, लेकिन वो राज़ी फिर भी नहीं होते हैं असल में। वो लोग रब को राज़ी करते थे, रब फिर उनको कहता था जिस तरह आप कहेंगे मैं ऐसे करूँगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत एक वाक़या पेश आ गया बड़ा अजीब सा। मामर बिन अब्दुल्ला जोहनी फरमाते हैं कि एक बंदे ने जोहैना कबीले की एक औरत से शादी कर ली। मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा कि टाइम शार्ट है, आपको फिर समझने मुश्किल दिक्कत हो जानी। अब हुआ क्या, एक बंदे ने शादी की औरत से, 6 महीने बाद मुंडा हो गया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद मुंडा हो गया। उसका खावंद सैयदना उस्मान के पास आए, कहने लगे ये क्या मामला, उनकी रो ये तो मेरा है ही नहीं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को भी गुस्सा आया कि ये क्या मामला है। सैयदना उस्मान ने पहले बंदा भेजा, जा भी पता कर, क्या ऐसे ही है? घर गया, पता लगा जी वाकई यही कैफियत है। सैयदना उस्मान ने केस सुनने के बाद कहा उस औरत के को, आ जाओ तुझे रजम करना है। वो औरत इतनी तसल्ली तशफ़ी के साथ घर बैठी है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, और वो मेके में आ गई हुई है, क्योंकि ऐसी औरत को फिर अंदर कोई अपने घर में नहीं रखता होता, ये कंडीशन होती है। वो कपड़े पहनने लगी ना, सही तरह बांधने लगी, उसकी बहन रोने लग गई, कहने लगी मैं यू वकी, मेरी बहन तो क्यों रोती है? कहने लगी अपी आज तेरे आखिरी लम्हात में रोस ली दी। कहने लगी वल्ला मैं अलतबिसबिया है तुम इन खलकिल्ला गैरा यकदिल्ला हुफिया। कहने लगी मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह जानता है मैंने आज तक जब से होश आई है अपने बदन के साथ इस आदमी के अलावा अल्लाह की मखलूक में से किसी को लगने नहीं दिया, तो ये कैसे हो सकता है मेरे मुतल्लिक अल्लाह गलत फैसला करेगा। लेकिन फैसला अदालत में हो चुका है, अदालत में फैसला हो चुका है। अब लोग जा रहे हैं उसको लेकर रजम करने के लिए चले। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को पता लगा, उन्होंने कहा उस्मान क्या फैसला कर दिया आपने? कहने लगे ये मसला हुआ। सैयदना अली फरमाने लगे आपको 26वें पारे की आयतें बोल गई हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि 24 महीने दूध पिलाना है और 6 महीने बच्चा पेट में गुजार के आ जाए तो ये ठीक होता है। उस्मान कहने लगे ओह मुझे गलती लगा, मैं भूल गया था, असल में मैं उस तरफ गया ही नहीं है। वो औरत फिर रजम नहीं हुई थी असल में। अगली बात मसला क्या है, फिर सैयदना मामर बिन अब्दुल्लाह जोहनी फरमाते हैं वल्लाहि मल बैदा तो बिल बैदा वल गुराब बिल गुराब अशमह बि अबीही मिनहु। कहने लगे आज तक, अब अगला मसला ये था लोगों के अंदर बात चल गई कि 6 महीने बाद मुंडा आया, पता नहीं की सूरत हाल है। वो सहाबा फरमाते हैं आज तक हमने इस तरह का कोई लड़का देखा ही नहीं है जो अपने बाप के साथ मिलता हो जितना वो बच्चा मिलता था। सहाबा कहते हैं हालांकि कहानियों तक कहाँ इसके बच्चे एक जैसे होते हैं पता ही नहीं लगता। सहाबा कहते हैं एक कांध दो बच्चे आपस में नहीं मिलते सन, या एक कांध बेटा उन्हें ना नहीं मिलता सी जिन्ना वो बच्चा अपने बाप ने मिलता होता सी, और एक मुर्गी के दो अंडे लेकर वो दो अंडे आपस में एक जैसे नहीं होते थे जिस तरह वो बच्चा अपने बाप के साथ मिलता था। और उसका बाप ये देख के कहता हादा अबनी वल्लाह ला शुक्कू, बाप फिर कसम चुके आंदा से अल्लाह की कसम मेरा ही मुंडा शक ही कौन। लोग कहते थे इसको छुपा लो, बाप को निकालो सेम है, बाप को छुपा लो उसको निकालो सेम है। लेकिन अगला फिर अल्लाह ताला ने उसको सजा भी थोड़ी सी देनी थी ना, उसने जल क्या किया अल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर उस बच्चे के बाप को इधर कैंसर फोड़ा निकाला, इधर रोता भी था फिर, और जब भी बात करता हदीस के लफ्ज़ में वल्लाह ला शुक्कू, रवायत का कहता अल्लाह की कसम मुझे शक रहा ही नहीं है, है जी? लेकिन बड़ी तकलीफ काटती, कैंसर फोड़ा यहां पर निकला और उसी तकलीफ के साथ वो बंदा मर गया था फिर। लेकिन वो औरत जो कहती थी ना मा अल्तबिसु बि अहद मिन खल्क़िही ही गैरा, है जी, कि अल्लाह की कसम अल्लाह की मखलूक में से आज तक मैंने अपने शोहर के अलावा किसी के साथ बैठना गवारा नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरीके से क्लियर कर दिया पकड़ के। इसको कहते होते हैं कि इंसान खुद ही को कर बला दितना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या रजा है। इंसान को अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक किस तरह का जोड़ के रखना चाहिए। अब अशरी की बिला के लोग, उनकी सिफात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई हैं सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, दो उनकी आते थी जो हमारे अंदर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अंदर ऐसी कोई अच्छी आदत है ही नहीं। होता क्या है कि अगर किसी एक के घर खाना नहीं ना पका या खाना है नहीं, उन्हें फिर कहना यार आज सारे इकट्ठा खाना खाने हैं, जो जो पका के लाया सारे लेके आओ। सारे एक दस्तरखान खान पर लगाया जाता, इधर औरतें हो जाती उधर बंदे हो जाते, तो जिसने पकाया था वो भी खा लेता, जिसने नहीं पकाया था वो भी खा लेता, किसी को पता ही नहीं होता था किन्ने पकाया था किन्ने नहीं पकाया। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ये बनू अपना अबू मूसा अशअरी कबीले के लोग जिधर रात को स्टे करते थे ना, वहां से कुरान की आवाज़ आया करती थी, कुरान से आवाज़ आया करती थी। हम लोग पता कितने जालिम हैं, आधी रात का वक्त होता है आसमानों से आवाज़ ना अल्लाह ताला लगाते हैं, यार किसी ने कोई लौड़ है तो मंग लो वो है। ये बदबख्त और बदनसीब रात के इतने मुबारक वक्त के ऊपर हैं जी, कोई इमरान को सजदा कर रहा होता है, कोई नवाज शरीफ के गुण कर रहा होता है, हैं जी कोई बेहयाई की ओर सर्च कर रहा होता है, तो रब आवाज़ें लगा रहा होता है, कोई माफ़ी मांगने वाला है तो मांग ले, कोई रिज़्क़ का तालब है तो मांग ले, लेकिन ये रब की नहीं मानता, ये रब की नहीं मानता होता। अब क्या हुआ, वो लोग मदीने में आए, उनके पास खाना खत्म हो गया, सारे कहने लगे एक दो बंदे को जाओ यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें को हमें खाने का बंदोबस्त कर दे दे दें। वो गए सहाबी तो आगे गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलावत कर रहे थे ना वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर है शायक चलने वाली का रिजक अल्लाह के जिम्मे, वो सहाबी ये ऐसा सुन के वापस कहने लगे अल्लाह माफ़ फरमाए गलती होगी, राजक तो अल्लाह है तो मैं किससे मांगने जा रहा हूँ। इतनी बात कह के ना वापस आ गए, साथी पूछने लगे क्या बनाया, कहने लगे बस कम हो गया। थोड़ी देर बाद दो बंदे आए, पता नहीं कौन थे वो, एक गोश्त का टब बड़ा सारा साथ रोटियां पकड़ी हुई ला के उनको दे दी, वो उन्होंने कुछ खाई तो कहने लगे यार सारा ना खाओ, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर देने हैं, तो ना साथ उनका शुक्रिया करते हैं। अब वो साहबी खामोश, उसने कोई बात नहीं की कि अल्लाह की तरफ से आया, नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके गए, कहने लगे अल्लाह के नबी आपका शुक्रिया आपने ये दे दिया मेहरबानी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तो भेजा ही नहीं है। वो बंदे बड़े हैरान, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान नहीं होना, ये उसने भेजा है जो हर किसी का राजक है, आपने रब्ता किया उसके साथ तो रिजक उसने दिया है। मुसलमान को इस तरह का बंदा होना चाहिए बन के, किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। मुसनद अहमद के अंदर आता है सैयदना अबू सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला उनके पास हलाल बिन हिसन जाते हैं, तो सैयदना अबू सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने घर कोई शह नहीं, पेट पर पत्थर बांधा हुआ, ये मुसनद अहमद की हदीस है। बीवी कहने लगी या माँ कहने लगी जा अबू सैयद रसूलुल्लाह के पास, फलां गया आपने उसको भी दे दिया, फलां गया उसको भी दे दिया, फलां गया उसको भी, तू भी जाके मांग। कहते मैं जाता नहीं था, बिलाखर आपको पता ही औरतें बार बार कह के ना बंदे ने पैरों कड़ी छड़ दी पकड़ के। कहते मैं गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खिताब फरमा रहे थे कि अल्लाह उसको गनी करता है जो अंदर से गनी होना चाहे, अल्लाह उसको सवाल से बचाता है जो बंदा खुद सवाल से बचे। फिर मेरे नबी फरमाने लगे लोग हमसे मांगते हैं हम उनको दे देते हैं, और कुछ नहीं मांगते हमें फिर भी वो प्यारे होते हैं। कहते हैं सैयदना अबू सैयद खुदरी मैंने ये बात सुन के ना मस्जिद में वापस उन कदम पर वापस आ गए। कहते हैं मैंने उसके बाद अल्लाह पर यकीन कर लिया, अल्लाह तेरे अलावा किसी से मांगना नहीं है। फिर हदीस के लफ्ज़ में कहते हैं वल्लाहि मा आलमु अहला बैत मिन अल अंसार अक्सर अमवालन मिन्ना। अबू सैयद खुदरी फरमाते हैं पहले उस बस्ती में सबसे कमजोर माड़ा आदमी मैं था, और इस वाक़े के बाद जितने मालदार थे ना सारे मेरे तो थल्ले सन, सब तो ज्यादा अमीर मैं आदमी से, क्योंकि मेरा रब के साथ राबता हो गया था। इसको कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या रजा है। अब इसके बाद एक और वाक्या जो सही बुखारी में भी है सही मुस्लिम में भी है, बड़ा गौर से समझने वाला है, सहाबी का वाक्या है। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 30 साल की उम्र है, छोटी सी 30 साल की उम्र में मुसलमान हुए हैं, 36 साल की उम्र में शहादत पाई है, लेकिन अल्लाह पर इतना तवक्कुल एतमाद है, रसूलुल्लाह मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं,
उस्मान मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, जिब्रील मौजूद हैं, लेकिन मामला क्या होता है? बनू कुरैज़ा का मसला है। बनू कुरैज़ा कहते हैं ये हमारे मुतलक जो फैसला करें हमें कबूल है। नबी पाक भी फरमाते हैं ठीक है हमें कबूल है। सबसे बड़ा इजाज़ तो यही होगा ना, नबी पाक के होते हुए फैसला और करें, अबू बकर के होते हुए साई साद बिन माल छोटी सी उम्र का बच्चा को फैसला करे, ये कैसे हो गया? अब सैयदना साद बिन माज रजी अल्लाह ताला ने हो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जंगे खंदक में ये जख्मी हुए, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह जब तक बनू करैजा रुस्वा ना हो उतनी देर मुझे शहादत नहीं देनी है। अल्लाह ने कहा ठीक है चाहिए। दूसरा कहने लगे अल्लाह अगर कुरैश के साथ अभी लड़ाई बाकी है तो मुझे अभी आपने फौत नहीं करना है। और फिर कहने लगे अल्लाह तू जानता है मेरे दिल की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी जिन लोगों ने मेरे नबी को सता के निकाला है और परेशान किया है उनके साथ लड़ना मेरा सबसे अब पहला फर्ज बनता था, तो अगर अल्लाह अब तहज्जर अकलमुलिल बुर सैयदना साद बिन माज का ना जख्म ठीक होना शुरू हो गया। फिर सैयदना माज कहने लगे अल्लाह वैसे मेरा जेन ये है कि जंगे खंदक के बाद आइंदा जो है ना हमारी कुफारे कुरैश के साथ लड़ाई नहीं होनी है। अल्लाह ने फिर ये भी कानून बदल दिया ठीक है साथ लड़ाई नहीं होगी और उसके बाद फिर वाकई नहीं हुई है। तो कहने लगे अल्लाह फिर मुझे इस जख्म से खून जारी करके ना मुझे शहादत अता फरमा दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता क्या फरमाया करते थे, जब ये फौत हुए ना अल्लाह का अरश खुशी से झूमने लग गया था, आसमानों के फरिश्ते इनकी रूह का इस्तकबाल के लिए, और जिब्रील आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगे आज 70,000 वो फरिश्ते आए हैं जो इससे पहले कभी उन्होंने ज़मीन पर पर भी नहीं रखे हैं, और जब इनकी कब्र खोदी जा रही थी अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। हैं तो मसला क्या था भला? जब इन्होंने फैसला किया बनू कुरैज़ा का कि इनके जो जंग के काबिल लोग हैं उनको कत्ल कर दो, औरतें और बच्चों को कैदी बना लो और इनके माल मुसलमानों में तकसीम कर दो, जब ये फैसला किया ना, हालांकि रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, अब अकर सिद्दीक मौजूद हैं, सही बुखारी के नफज हैं, मेरे नबी ने फरमाया कवई तब हुक्मिल्लाह, आपने फरमाया साथ तूने वो फैसला किया है जो अरश पे अल्लाह ने लिखा हुआ था असल में, क्या तूने फैसला किया है ना तो रब ने यही लिख दिया है, यही लिख दिया है। फिर उनसे किसी साहबी ने पूछा था वजह क्या है, वजह क्या है? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर तो हो ही नहीं सकता कभी भी, हम तो किसी बाप माँ बहन भाई के जन्नत पर जाने पर भी राजी नहीं, हम पता नहीं किस कैटागरी के लोग हैं, हमें अपनी वैल्यू का भी नहीं पता, अपनी इज्जत का भी नहीं पता। तो फरमाया करते थे तीन काम हैं ला अजिदुल आखिरीन इल्ला मुस्लिमीन। पहली वजह जिसकी वजह से हजरत साद को अल्लाह ने ये एजाज दिया हुआ था, कहा करते थे मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान का कीना बोगज नहीं है, कोई ऐसा बंदा है जो अपने सिर पेश कर सके? कभी नहीं हो सकता। हमारे दिल में सबसे ज़्यादा बोगज होता है माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, ताए का, चचे का, या हमारे मल्ले का गरीब उसके पास चार पैसे आ जाए बेचारे के, हम उसका दिल में कोट बसा लेते हैं। लेकिन सैयदना साद बिन माज फरमाते हैं मेरे दिल में किसी आदमी का बोगज नहीं है, वलैसा फी कल्बी गिमरुल अहदिन, कहने लगे मैंने अपने दिल में आज तक किसी बंदे के लिए गंड भी नहीं रखी है। जैसे हमारी आदत होती है ना, एक आदमी ने हमें वोट नहीं दिए, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, ऐसे दिल में गंड रखने, अच्छा ठीक है। साद बिन माज फरमाया करते थे मैंने कभी नहीं रखी। और तीसरी फरमाया करते थे ला अहसदु अला अहदिन अला शैइन आताहुल्लाहु इय्याहु, फरमाया करते थे अगर अल्लाह किसी को कोई चीज़ अता करते हैं ना तो मैंने कभी उस पर हसद और बुगज नहीं रखा है, सार नहीं किया है। ये तीन खूबियाँ थीं, इन खूबियों की वजह से जो जो बातें कहते जाते ना अल्लाह मानते जाते थे, अल्लाह मानते जाते थे। इसको कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी क्या रजा है। इस्लाम तो इस चीज़ का मजा है ना, अल्लाह ताला से दुआ करे इंसान, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना दुआ तकदीर को बदल देती है, लेकिन शर्त ये हलाल खाने वाला हो, दिल में किसी का कोड़ बुगद हसद। हाँ जी ये तो लोगों के पास जाकर जाते हैं, हाँ जी मुझे कोई अमली बताएं, कोई वजीफा ही बताएं, मेरा फलाँ जो है ना वो काबू नहीं आ रहा,
फला जो है ना वो काबू नहीं आ रहा, फला जो है ना वो काबू नहीं आ रहा, फला जो है ना वो काबू नहीं आ रहा। दिल को मुसलमान के लिए खुला रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। वाखिर दुआ वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।